आपको स्क्रीन पर मूर्तियां बनती दिख रही हैं, देवता आकार लेते दिख रहे हैं। अगले कुछ वक्त में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी का हालचाल लेने के क्रम में जब हम अलीगढ़ पहुंचे तो अलीगढ़ का एक हुनर तो है ताले वाला, जिसके बारे में हमारे साथी सिद्धांत मोहन आपको हमारी एक नई सीरीज हुनर में बताएंगे। उसके इतर अलीगढ़ में मूर्तियों का भी बड़ा काम होता है। हम लोग एक वर्कशॉप में आए हैं, यहाँ पर देखिए मूर्तियों को ढालने का अलग अलग प्रोसेस चल रहा है। वहाँ पे घिसाई चल रही है, यहाँ पर ये जोड़ दिया जा रहा है, वेल्डिंग की जा रही है और इस तरह के पीस बन रहे हैं। ये गर्म तो नहीं होगा ज़्यादा? नहीं नहीं, गर्म नहीं है, आगे से गर्म है, आगे से फूल नहीं छूना है, ये दहकता हुआ फूल है, फूल बने अंगारे इसी के लिए कहा गया है, हैं? अभी गर्म है, नहीं छूना है। तो हम आपको अगले कुछ वक्त में दिखाएंगे कि ये पूरा काम कैसे होता है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, ये यूपी की हालचाल यात्रा है जो इस वक्त अलीगढ़ में है और ये हमारे नए बने मित्र हैं, इनका नाम कमल जी है और ये भी हमारे नए बने मित्र हैं और इनका भी नाम कमल जी है। जैसे हमारी क्लास में बहुत सारे सौरभ होते थे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी क्लास में कौन से नाम की भरमार थी, नेहा, अमित, आशीष, पूजा, सौरभ, बड़े कमल भी नाम कॉमन है। कमल नाम कॉमन ही है, ज़्यादातर नाम कॉमन है। तो ये कमल जी हैं, ये इसकी बिक्री के पार्ट से जुड़े हैं और ये कमल जी हैं, ये इसकी वर्कशॉप के पार्ट से जुड़े हैं। ये दोनों कमल जी मुझे बताएंगे कि ये जो नायाब चीज़ें बनती हैं, जैसे ये पीछे देखिए इतना बड़ा पेड़ है, बारीक काम है, पूरा पीतल का है। हाँ, अभी मैं थोड़ा सा क्लीशे होता तो ओपनिंग में आपको बोलता कि दुनिया पीतल की क्यों है, और पीतल की है भी, सोने की नहीं है, तो भी ये कितनी मशक्क़त का काम है। आइए साहब, कहाँ से शुरुआत होती है, सबसे पहले पीतल आपके पास आती है, किस फॉर्म में आती है, थोड़ा बताइए, अंदर चलें। आइए साहब, ये प्रोसेस नंबर वन है, यहाँ पे भट्टी है, देख के आइएगा। ये पीतल की शीट आती हैं। पहले तो कमल जी ये बताइए कि मुरादाबाद के पीतल के काम और अलीगढ़ के पीतल के काम में क्या फ़र्क है? ये कास्टिंग का फर्क है, वो लोग शीट में काम करते हैं, हम लोग कास्टिंग से काम करते हैं। और थोड़ा सा खोल के आम आदमी को समझ में आ जाए, बताइए। हाँ, जैसे ढलाई होती है, कास्टिंग को ढलाई कहते हैं। हाँ। तो पीतल गढ़ के फिर उसके बाद में मूर्ति की ढलाई होती है। यहाँ पे जो बारीक काम है वो ज्यादा होता है। हाँ जी, मोल्डिंग और वो सब मोल्डिंग, मोड़ तोड़ का। तो ये ऐसी शीट आ जाती है, देख सकता हूँ, ये इस तरह की शीट आ गई। फिर इसका क्या होता है? ये इसमें भट्टी में गलती है, फिर उसके बाद में ये भट्टी है। हाँ, ये भट्टी और ये दो भाई, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं जरा, ये क्या, ये मिट्टी है भट्टी की, ये भट्टी की मिट्टी तैयार कर रहे हैं। तो ये पीली वाली मिट्टी, ये गेरुआ इस्तेमाल होती है। हाँ जी, क्या नाम है भाई आपका? सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको काम में दिक्कत कर रहा हूँ, पर मकसद ये है कि औरों को भी पता चले आपके काम के बारे में। क्या नाम है? गेंदालाल। गेंदालाल जी, ये क्या हो रहा है इसमें? पीतल गलेगी, थोड़ी हीट हो जाएगी ना। हाँ। तो इसमें पीतल डाली जाएगी। ये डाल दिया आपने? नहीं, अभी से अभी गली नहीं है, ये गल जाएगी। हाँ, अभी पिछली नहीं गली है। हाँ, ये गल जाएगी तो ये डाल देंगे, ये पूरी गल जाएगी इसमें अंदर। ये बिल्कुल लिक्विड जैसा हो जाएगा, गाढ़ा लिक्विड है। हाँ, पानी तरह हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा। हाँ, फिर उसको उसमें डालेंगे, ये इसमें डाल देंगे और फिर इसमें पलटी तरफ दिखाइए। अच्छा, ये फ्रेम है, खोल दो उसको, ये अंदर फ्रेम है। हाँ, इसमें ये फ्रेम है, ये किस चीज का फ्रेम है? ये इसका, ये कोई देवी है उसका है, कुछ होता ना गेट के ऊपर लगता है। ये इसके अंदर क्या है कि ब्रास का पानी जाएगा ना, यहाँ से जाएगा। हाँ, और उस सांचे में ढल के, सांचे में ढल के फिर पीस पीतल का निकल आएगा बाहर। अच्छा, तो एक रफ सी मूर्ति बन जाएगी। हाँ, ये काला काला क्या है? ये शीरा, शीरा है। इससे क्या करते हैं? ये क्या, साइडों में गुल्ला के लिए लगाए जाते हैं, साइड में चिपकाते हैं। चिपकाओ जरा, दिखाओ, अभी जरूरत है चिपकाने की है? कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? गौतम। मैं वहां आ जाऊं? अच्छा जी, गौतम बाबू हैं, शीरा चिपकाने का काम कर रहे हैं। गौतम, आप कितना पढ़ाई किए हो, स्कूल गए हो कभी? हाँ, गए जी। कितना पढ़े हो? नाइन्थ। नाइन्थ तक पढ़े हो? वेरी गुड। कहाँ, गांव कहाँ है तुम्हारा? हाँ, गांव हमारा अतरौली के पास में है। अतरौली के पास में? हाँ, मोसलाबाद है। मोसलाबाद, मोसलाबाद नाम। हाँ। तो फिर उसके बाद इस काम में आ गए, कितनी उम्र से आ गए इस काम में? इस काम में हो गई करीब 10 साल के लगभग। 10 साल से काम कर रहे हो? कितना पैसा मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है मजदूरी 500 रुपये। 500 रुपये रोज के हिसाब से? बच्चे हैं आपके?
शादी हो गई? हाँ हो गई शादी। स्कूल जाते हैं पढ़ने? हाँ अभी छोटी है बच्ची, अभी स्कूल नहीं जाती। अरे बिटिया रानी है? हाँ, बिटिया रानी। पर उसको अच्छे से पढ़ाओगे ना? हाँ। अच्छा, तो गांव में रहते हो कि अलीगढ़ में? नहीं रहते हैं अलीगढ़ में। अलीगढ़ में? हाँ अलीगढ़ में रहते हैं। क्या किराए पे रहते हो या अपना घर बना लिया? अपना घर है। अरे बढ़िया। और किराए पे यहाँ ले रखा है, कमरा भी ले रखा है किराए पे और अपना भी घर है। ये डबल चक्कर कैसे गुरु? डबल ऐसे कि वहाँ फैक्ट्री थी ना तो वो पास में ले लिया पहले। हाँ अब तो ये ऐसे चिपका देंगे? हाँ हाँ। अब ये शीरा ना, ये गुल्ला लिख लेंगे ना इसमें से। हाँ। तो तब ये शीरा लगा के जब चिपकाया जाएगा तो मैं अभी दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, बस एक मिनट का समय दो। हाँ हाँ। नहीं नहीं मेरे पास, मैं समय लेके ही आया हूँ आपके पास। तो ये बताओ कि जहाँ तुम रहते हो वहाँ कुछ ऐसे काम वगैरह करवाया सरकार ने? कुछ अस्पताल बना हो या सड़क बनी हो, बिजली कुछ काम हुआ है, राशन वगैरह कुछ कैसा काम हुआ? हाँ राशन वगैरह तो आता है, मिलता है राशन? हाँ राशन तो मिल रहा है। हाँ लेकिन ये सड़क वगैरह थोड़ी थोड़ी ऐसी अभी नहीं बनी है जो बननी चाहिए। सड़क बननी चाहिए? हाँ जो गंदगी, गंदगी तो काफ़ी है अलीगढ़ के अंदर। हाँ गंदगी तो काफ़ी है क्योंकि। कभी कोई नेता आता है वोट वोट मांगने? नहीं हमारे हमारे यहाँ तो नहीं आते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं आते, लेकिन जो सभासद विधायक वगैरह होते हैं वो तो आते हैं। सभासद विधायक आते हैं? हाँ हाँ मांगने आते हैं, लेकिन हम उनसे ही कहते हैं कि यहाँ की सुविधा सही करो, यही क्या बोलते हैं उनसे। तो वो लोग क्या बोलते हैं? मतलब हाँ करेंगे करेंगे जब तो कह आते हैं, उसके बाद में फिर कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते ये नेता लोग? हम लोगों का वोट, गरीबों का, सबका लेके जाते हैं, फिर ध्यान क्यों नहीं देते? ये पता नहीं क्यों नहीं ध्यान देते, ये उनका उन्हें पता होगी, लेकिन उस समय तो कहते हैं वोट मांगने के समय क्या हाँ करेंगे करेंगे सब कुछ करेंगे सब सुविधा करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं करते हैं। तो प्रदेश में या देश में क्या हो रहा है ये आपको कैसे पता चलता है? फिर अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल? हाँ हाँ समाचार में देखते हैं और मोबाइल में न्यूज़ देख लेते हैं। मोबाइल में न्यूज़ देख लेते? तो अभी कैसा काम कर रही है? जैसे 5 साल से यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 4.5 साल से, पहले अखिलेश यादव की थी, उसके पहले मायावती की थी, किसने ठीक काम किया? काम तो सर पहले पहले सही था, इस बेहतर से पहले सही, लेकिन इन्हें भी काम सही किया है मोदी जी ने, काम अच्छा किया है, लेकिन यह थोड़ी दिक्कत तो आई देश के ऊपर। किस तरह की दिक्कत आई? यही हाई महामारी आई, इसी दिक्कत तो आई, लेकिन काम तो ठीक किया उन्होंने, लेकिन वो भी बेचारे मजबूर हो गए, उन्हें क्या पता ऐसा हो जाएगा। अच्छा। तो अब जैसे अभी फिर सब नेता वोट मांगने आएंगे तो फिर क्या बोलोगे उनको तुम? यही बोलेंगे कि आप सुनते हैं नहीं है, तो हम अच्छा नेता चुनेंगे, अच्छा सुनेंगे जो हमारी सुने। कोई नेता अच्छा लगता है आपको? हैं अब देखो कोई अच्छा करेगा, पहले से ही अच्छा करता है तो वो अच्छा लगता है, जो अच्छा नहीं करता है वो तो बेकार ही लगता है। हाँ। अगर आपको सरकार से एक चीज़ मांगनी हो तो क्या मांगेंगे? यही मांगेंगे कि देश में सब गरीब हों या अमीर हों या कोई भी हो, सब ये पहला नंबर तो ये धोखाधड़ी और ये फ्रॉडगिरी ये ख़त्म होनी चाहिए। किस तरह की फ्रॉडगिरी? जैसे कि किसी की बहू बेटी हैं और किसी की हैं, जैसे कि अगवा कर ले जाते हैं और फिर पुलिस सुनती नहीं है, पहले ये ख़त्म हो। है कोई मामला हुआ है क्या? काफ़ी केस आए थे। हाँ ये इसकी छानबीन नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ और जैसे लड़की ले गए और दूसरी जगह बेच दी, किसी की बहू किसी की बेटी, ऐसे ही हो रहा है, ऐसा हो रहा है देश में। ये कैसे पता चला आपको? जब मेरी वाइफ गायब हुई ना जब पता लगा। आपकी वाइफ गायब हुई? कैसे गायब हुई आपकी वाइफ? किडनैप कर ली किसी ने। किसी ने घर से किडनैप कर ली? घर से रास्ते में से बाजार में से। कहाँ की बात है ये? हरू पला होली चौक की बात है। पला होली चौक की बात। हाँ। फिर आपने पुलिस में शिकायत कराई? हाँ पोस्टर भी छापे थे उन्होंने। पोस्टर भी छापे? कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला। अभी आप बिटिया को अकेले पाल रहे हो? अकेले पाल रहा हूँ। अम्मा वगैरह हैं घर? हाँ हाँ हैं, मम्मी हैं। कितना पुराना मामला है ये? 3 साल करीब हो गए, 3 साल हो गए। कोई खोज खबर नहीं कुछ नहीं पता? कुछ नहीं, जाता हूँ थाने, बोल देते हैं कि वहाँ जाओ, बोल देते हैं कि वहाँ जाओ, वही पैसे की कहानी आ जाती है घूम फिर के। पैसे की कहानी? कैसे? कि पैसा होता मेरे पे 50,000 या कुछ भी तो उन्हें देता तो वो भागा दौड़ी करते पुलिस वाले, ये होता है। तभी तो आपने पुलिस कप्तान से या किसी विधायक वगैरह से शिकायत की इस बात की? करी थी कोई नहीं सुनना था। वो ये बगैर पैसे के कोई नहीं सुनता है, कोई बगैर पैसे की सुनवाई? हाँ सुनवाई नहीं होती है बगैर पैसे के, पैसे दे दो तो सुनवाई होती है, नहीं कोई नहीं सुनता गरीब की। आजकल देश में बहुत धोखाधड़ी बहुत फ्रॉडगिरी चल रही है बहुत ज़्यादा।
अच्छा चलिए, मैं अब आपकी व्यक्तिगत समस्या है, मैं तो बड़ा इसमें स्तब्ध हूँ, क्या कहूँ, पर आप एक बिटिया को खूब पढ़ाइएगा, है ना? पढ़ाऊँगा मैं, चार साल की बच्ची थी जब छोड़ के गई थी, अब वो 7 साल की हो गई। 4 साल की थी बच्ची जब वो छोड़ के गई, अभी आप कह रहे हैं छोड़ के गई, पहले कह रहे थे किडनैप। कैसे पता चला कि किडनैप हुआ है? ऐसे पता लगा कि कहीं नहीं पता चला, रिश्तेदारी में हर जगह ढूंढा, और मोबाइल भी उसका आधे घंटे बाद बंद हुआ, है ना? तो ऐसे पता लगा कि पुलिस ने फिर किडनैपिंग में डाल दिया वो केस। घर वालों को कुछ पता नहीं, उसकी रिश्तेदारी में ढूंढा सब जगह, किसी को कुछ पता नहीं चला, उसका पता ही नहीं चला, कोई सुराग ही नहीं मिला पुलिस को, इसलिए मैं उन्होंने किडनैपिंग में डाल के पोस्टर छाप दिए। हाँ। पर कुछ जानकारी नहीं मिल पाई, मैं लिटरली स्तब्ध हूँ। ऐसे होता ना पत्रकारों को कि हर स्थिति से कोई बात निकालें, बात कहें, पर इस पर आगे कुछ बात नहीं हो सकती है। ये पीछे कपड़े टंगे हैं आप लोगों के? हाँ जी, ये ऐसा ना, हम शाम को, अच्छा ये दिन भर काम करते हैं? हाँ, ये उतार दिए हम घर से आए थे ना। अच्छा। हाँ, काफ़ी यहाँ भट्टी बड़ी तेज रहती, गर्मी में तो बड़ी दिक्कत होती होगी काम करने में? हाँ, दिक्कत होती है, पंखा लग जाता है और वो लग रहा है, आदत पड़ गई है। चलिए निकलिए जरी जी बाहर, देखिए हम लोग यहाँ पे 10-15 मिनट में परेशान हो गए हैं। गेना लाल जी, आपका घर कहाँ है? ये भाई हम दोनों। अच्छा, आप दोनों भाई हो? हाँ। तो आप दोनों लोग साथ में ही काम करते हो? हाँ जी, टीम की तरह। तो क्या क्या काम हुआ? ये तो इन्होंने बताया कि है गंदगी वगैरह रहती है, राशन मिलता है, और आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें अपनी बात? बस यही बात है, और यही है, बस परेशान रहे लॉकडाउन चक्कर में, और कुछ नहीं। लॉकडाउन में परेशान रहे? बहुत परेशान रहे थे। बस किसी ने आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश की कि नहीं? नहीं, कौन करे परेशानी दूर, सब अपना खाना मजदूरी है, बस अपना मजदूर आदमी है, खाते हैं, कमाते हैं, और क्या करें। ये बताओ, 4-6 महीने में यहाँ विधानसभा का चुनाव है, उसमें ये चीज़ मुद्दा रहेगी क्या? अब देखो, बात आवे तो बात करी जाएंगी, बात कोई आवती है तो बात करी जाएंगी, नहीं तो कोई ना, तो ये क्या करें बताओ, मजदूर आदमी तो क्या कर सकता है इसमें, कुछ नहीं कर सकता है मजदूर आदमी, कुछ नहीं कर सकता। इसमें भट्टी में काम करते हुए क्या सावधानी रखनी पड़ती है? एक तो आँच है, बहुत सतर्कता रखनी पड़ती है। सब चीज़ देखनी पड़ता है इसमें। हाँ। कितने घंटे काम करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे काम, बाप रे। सोचिए मैं 10 मिनट भी नहीं रहा भीतर, भाई साहब अंदर गल गया पीतल, मोल्ड में आ गया, फिर कहाँ जाता है? यहाँ आता है? नहीं, वो कास्टिंग होके यहाँ पर आता है। कास्टिंग होके यहाँ, ये कास्ट होके आया है? ये कास्ट होके। गरम तो नहीं है? नहीं, गरम नहीं है, ठंडा। ये ठंडा है, ऐसा ना हो कि वीडियो शूट करने के चक्कर में हम अपना हाथ चिहुका लें। ये पाँव बन गया है, ये डिजाइन का है। इसके बाद में देखो, जैसे ये पीस है ना, ये ये ऐसे पीस होते हैं, बराबर है ना? इन दोनों को मिला देते हैं तो ये ऐसे जुड़ जाता है। ये ऐसे जोड़ रहे हैं वहाँ, ये जोड़ रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। अभी इसमें तो फिनिशिंग भी होगी ना? हाँ, फिनिशिंग अभी बाकी है। ये जोड़ने का काम करें, वो भी जोड़ने का काम करें। हाँ, वो भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये किसकी मूर्ति बन रही है? ये दीप लक्ष्मी है, ये दीप लक्ष्मी है, ये बड़ा कृष्ण है। ये दीप लक्ष्मी है और ये बड़े कृष्ण के पाँव है। हाँ, ये जो यहाँ बने रखे हैं बड़े कृष्ण, ये छोटे कृष्ण है, ये छोटे कृष्ण, बड़े कृष्ण और बड़े होते हैं। हाँ, बड़े कृष्ण और बड़े। अरे अंदर तो बहुत सारे गणपति भी रखे हुए हैं। ये कितने की बनती है मूर्ति भाई साहब? कितने पैसे की है? अब पैसा तो ऐसा होता है कि जैसा माल बनता है वजन के हिसाब से। अरे थोड़ा मोटा माटी तो अंदाजा लगे ना, दर्शकों को देख रहे होंगे, उत्सुकता होगी उनको। हाँ, जैसे 500 रुपये किलो पित्तल आती है इसके, 200-300 रुपये इसकी वर्किंग हो जाती है। ये तो काफी वजनी है भाई साहब, ये वजन के हिसाब से होता है? हाँ, वजन के हिसाब। हाँ भाई साहब, वेट के हिसाब से होता है इसका रेट? कोई 1 किलो की भी होती है, कोई 2 किलो की भी होती है, कोई 5 किलो की होती है, कोई 15 किलो की भी होती है। हाँ। तो वजन के हिसाब से पैसा लग जाता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं 500 रुपये प्रति किलो और 200-300 रुपये उससे कारीगरी? हाँ जी। यार इसकी कॉस्ट 800 रुपये के जी के आसपास आती है। हाँ। इसमें फिर सुपर फाइन होता है, उसमें सुपर फाइनिंग में क्या होता है, चिताई वगैरह का वर्क, हैंड वर्क बढ़ जाता है, तो उसमें कॉस्टिंग थोड़ा और बढ़ जाता है। हाँ। और नॉर्मल वर्क की जो होती है, एवरेज क्वालिटी की जो मूर्ति होती है, वो 700 रुपये के जी के आसपास पड़ती है। इस मूर्ति का मोटा माटी मेरे ख्याल से कितना, 8-10 किलो तो वजन होगा? 15 किलो वजन है। 15 किलो।
चलिए, तो यहाँ पे ये वेल्डिंग का काम होता है। अच्छा मैं और काम दिखाऊं जरा, उससे पहले ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा हम लोग इधर ही आ जाएं, इधर शोर कम है, उधर तो वेल्डिंग हो रही है, हैं अंदर और कम है। आइए इधर थोड़ा भाइयों और बहनों, प्रोसेस समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का दिखाते हैं। तो ये कारोबार कमल जी अलीगढ़ में कितना पुराना है, ये मूर्तियों की ढलाई का? अलीगढ़ में अप्रोक्स मेरे ख्याल से ये शाहजाद हुआ उससे पुराना काम है यहाँ पर, लेकिन अलीगढ़ को जाना जाता ताले के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज को ज़्यादा प्रचार और ज़्यादा नाम नहीं मिल पाया स्टैचू इंडस्ट्री। हाँ, मूर्ति व्यापार को यहाँ ज़्यादा लोग जानते नहीं है कि अलीगढ़ में मूर्ति का भी काम होता है। जब पीतल के लिए ज़्यादा लोग मुरादाबाद को मानते हैं कि शायद ब्रास का काम मुरादाबाद में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शीट वर्क का काम जो होता है मुरादाबाद होता है, और कास्टिंग वर्क जो होता है वो अलीगढ़ में ही होता है ज़्यादातर। मतलब अगर मैं देश में कहीं मूर्ति देखूं तो बहुत संभावना है कि वो हमारे अलीगढ़ की बनी होगी। जी हाँ, अलीगढ़ की बनी। हमारे एक मित्र यहाँ पर थे, फिर वो कहीं और गए, हम उनके घर गए, हमने देखा बड़ा सुंदर सा पेड़ पीतल का। तो मैं तो ऐसे पत्रकारों को गलतफहमी होती कि वो बड़े सयाने हैं, मैंने कहा अरे ये तो मुरादाबाद से आया होगा, तो उन्होंने हमारा भरम दूर किया, बोले अलीगढ़ से है। अच्छा, तो इस काम में किस तरह की दिक्कतें आती हैं कमल जी, क्या चैलेंजेस हैं? नहीं दिक्कत कोई नहीं आती, कोई नहीं आती, नहीं, कोई सामान की सप्लाई या बाकी चीज़ें? नहीं कोई सप्लाई नहीं। पहले क्या था कि जैसे टैक्स नहीं लगता था, अब क्या टैक्स लगने लग गया, और वैसे भी हमें क्या है कि 18% में ब्रास खरीदनी पड़ती है, और माल ब्रास पे 18% है, 18% है, और हमें बेचना पड़ता है 12% में। मतलब थोड़ा ये समझ इस चीज़ को समझाइए, 18-12 जो बिल काटते हैं वापस मूर्ति बना के, तो हमें 12% में बेचना पड़ता है। हाँ। और हम लो मटेरियल खरीदते हैं जैसे पीतल वगैरह खरीदते हैं तो 18% में खरीदते हैं। नहीं पर वो तो आप रॉ मटेरियल में उस 18% टैक्स की कॉस्ट जोड़ लेते होंगे ना? एक्चुअली हम जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं ब्रास का, ब्रास के ऊपर GST गवर्नमेंट ने 18% रख रखा है, लेकिन हम जब तैयार करके माल को बेचते हैं तो हम पर GST रिटर्न 12% मिलता है, तो 6% का जो गैप है वो थोड़ा सा दिक्कत का विषय बना हुआ है, उसके लिए सरकार से हम नॉन। ये तो गड़बड़ है, आप दे रहे हो 18% और फिर 12% 12 का मिल रहा है, 6% का हमारा वेरिएशन जो रहता है वो गवर्नमेंट के पास GST एज ए एडवांस जमा रहता है, वो उसके लिए माननीय योगी जी से हमने 2-3 बार मुलाकात की है, प्रार्थना की है, उन्होंने बारे में कहा है, हमने आश्वस्त किया है कि इससे कुछ समाधान निकाला जाएगा, पर GST काउंसिल फैसला करेगी ना ये वाला, तो उन्होंने यही बोला है कि हम इसको दिल्ली GST काउंसिल के लिए लिख के देंगे, वहाँ से अगर कुछ मिलता है समाधान तो निकाला जाएगा। पहले इस पर GST नहीं था, हार्डवेयर पर GST नहीं लगता था, अभी ये GST लगना शुरू हो गया है। पहले हार्डवेयर में इंडस्ट्री आती थी, हार्डवेयर इंडस्ट्री पे किसी भी प्रकार का GST या वैट नहीं था पहले, अभी शुरू हुआ है लगना। इससे तो कॉस्ट बढ़ गई होगी आपकी? हाँ, इससे कॉस्ट बढ़ गया है, डिमांड थोड़ा कम हो गई है। कॉस्ट बढ़ने से क्या होता है, ब्रास है महंगा आइटम होता है, अगर कोई 20,000 रुपये का तैयार हुआ तो उस पर 2400 रुपये GST लग जाता है, तो कॉस्टिंग और बढ़ जाती है। GST हट जाए तो ईजी अप्रोच होगा आम पब्लिक के लिए भी शुरू। GST हट जाए या कम हो जाए? नहीं, या तो टैक्स भी तो जरूरी है, सरकारें चले है, लेकिन या तो हमारा 12% भी मिले मूर्ति इंडस्ट्री को, कुछ ऐसा समाधान किया जाए कि कम से कम जो डिस्पैरिटी ना रहे, जो 6% का जो गैप है उसको किसी तरह से गवर्नमेंट अगर शॉर्ट आउट कर दे तो हमारे लिए बहुत आसान। ये तो करना ही चाहिए भाई, अगर सीधे सीधे 6% का खेल हो रहा है तो ये एक मसला है 18 और 12% का। ये सप्लाई कहाँ से होता है, ब्रास कहाँ से बन के आता है? ये ब्रास तो जैसे ताले की वेस्टेज वगैरह होती है उसी लेते हैं ताले। अच्छा, इसीलिए वो जो अंदर पत्तियां रखी हुई थी उसमें कटिंग लगी हुई थी, जो शीट आती है ना शीट में ताला निकल जाता है, ताला निकलने के बाद भी उसका जो बेस्ट हो जाता है। और ब्रास की शीट कहाँ बनती है देश में? वो तो जहाँ से ये कॉपर होता है कॉपर से बन जाती है, मतलब उसकी कोई फिक्स जगह नहीं साहब, ये ब्रास का कोई धातु नहीं होता है। नहीं नहीं वो तो ब्रास पता है, जाता है। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ बनती है ये शीटें? ये तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, टाटे वाले के पास है, वर्धमान वालों के पास है, बड़ी बड़ी कंपनी जहाँ जहाँ फर्नेस है वहाँ से निकल शीट बन के आती है। तो बड़ी शीट ताले में इस्तेमाल हो जाती है? बड़ी फ्रेश शीट का कॉस्ट होता है अप्रोक्स मान के चलिए 600 रुपये के जी, तो उसको ताले के लिए यूज़ करते हैं, उसकी जो वेस्टेज होती है उसका कॉस्ट 100-150 रुपये के जी डाउन हो जाता है, उसको वेस्टेज को हम खरीद के उसको कास्टिंग करते हैं उसकी होती है। फ्रेश वो लेने से फिर हमारी कॉस्टिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, फ्रेश शीट हम लेके लगाएंगे, और वो यूज़ भी हो ना कुछ भी बर्बाद ना हो, तो ये बिल्कुल जीरो बर्बादी हो गई मोटा मोटा। डालना इसको भट्टी के अंदर, हमें तो भट्टी में डालना है। ये तो ऐसे मिनी शोरूम जैसा भी लग रहा है। जेरी जी आप बाहर चले गए, जरा देखिए इधर, तो ये कहाँ कहाँ माल सप्लाई होता है, विदेश में भी होता है? अपने तो सीधा बॉम्बे जाता है। आप बॉम्बे भेज देते हो फिर वहाँ से विदेश जाता है। कमल जी आप कहाँ कहाँ माल सप्लाई करते हो? तो ये हमारा ऑल ओवर इंडिया है, और थोड़ा बहुत अभी एक्सपोर्ट भी शुरू किया है UK और USA, लेकिन इंडिया में ही ज़्यादा है हमारा काम। अच्छा ये बताइए, जैसे सरकार
रोजगार को प्रोत्साहित करे इसका विचार रहता है ना, सरकारों पे दबाव भी रहता है, करना भी चाहिए। इसको प्रोत्साहित करने के लिए ये जो स्टैचू इंडस्ट्री है, क्या करना चाहिए सरकार को, क्या डिमांड है आपकी? डिमांड ऐसा कुछ नहीं है, मेन डिमांड तो वेट का डिफरेंस है, उसके लिए कुछ सरकार वो तो एक बात आ गई। जैसे मैं टेक्सटाइल वालों के पास जाता हूँ तो कहते हैं हमारा टेक्सटाइल पार्क बने, ये हो वो, जैसे नोएडा में बोल रहे थे यहाँ पे। हम भी चाह रहे हैं कि जैसे इंडस्ट्री एरिया बनाया जाता है, इसका अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रावधान निकाले कि इंडस्ट्री हार्डवेयर इंडस्ट्रीज के लिए एक अलग जगह लॉन्च करके वो दे दे, तो सारा इंडस्ट्री एक जगह हो जाएगा, तो लेबर की अवेलेबिलिटी ईजी हो जाएगी। जब मतलब ऐसा है कि स्टैचू पार्क बना दे जिसमें सबको वर्कशॉप दे दे अलग अलग है, एक जगह लेके पूरा, एक जैसे डिफेंस कॉरिडोर बना रही है अलीगढ़ में, इसी तरह का कोई एक जगह लेके अगर वहाँ हार्डवेयर वालों को पूरा एक इंडस्ट्री दे दिया जाए तो वो हमारे लिए भी ईजी रहेगा, गवर्नमेंट के लिए भी ईजी रहेगा। दूसरा, जो भी वायर आएगा उसको सौ ऑप्शन एक ही जगह मिलेंगे, तो वो भी अपना इजीली सबसे मिलके अपनी क्वालिटी को चेक कर सकता है, प्रॉफिट और मार्जिन को भी देख सकता है, कोई ज़्यादा तो नहीं ले रहा, और हमारे लिए भी ईजी हो जाएगा क्योंकि सारी इंडस्ट्री एक जगह होगी तो लेबर इजीली मिलेगी फिर हमको। कितना लोग लग रहे मोटा माटी अंदाजे में लगे होंगे यहाँ अलीगढ़ के इस कारोबार में, लेबर कारीगर सब मिला के? अप्रोक्स मेरे हिसाब से लगभग 1.5 से 2 लाख लोग इसमें होंगे ब्रास के अंदर। 1.5 से 2 लाख एग्जैक्टली। हाँ, गांव में भी कुछ बारीक काम होता है? गांव में नहीं, गांव में वर्कशॉप में ही होता है, गांव के आदमी यहीं पर आके काम कर लेते हैं। अच्छा, नए लोग ये काम सीखे उसके लिए भी, उसके लिए क्या तरीका होता है? जैसे मान लीजिए ये आयुष हैं हमारे साथी, ये मूर्ति ढालना सीखना चाहें। हाँ, तो ये क्या होता है कि कोई कारीगर का कोई जैसे रिलेटिव होता है या जान पहचान वाला होता है तो उनके साथ में आ जाते हैं, तो उनके पास में बैठ के 2-4 महीने काम करते हैं, इंटर्नशिप हो जाते हैं। इंटर्नशिप सबसे अच्छा तरीका है कुछ भी सीखने का। कैसे? मतलब गेटिंग योर हैंड्स डर्टी जैसे बोलते हैं, आप कितना भी देख लें पढ़ लें लेकिन जब तक आप उस चीज़ में अपने हाथ नहीं लगाएंगे आपको पता नहीं चलेगा असलियत में वो काम कैसे होता है। आपने इंटर्नशिप की है? हाँ, मैंने लल्लन टॉप में इंटर्नशिप की थी और तभी मुझे समझ में आया था कि जो मीडिया की रंगीन दुनिया, जो हमें कैमरे के उत्पाद, रंगीन दुनिया रंगीन ही दिखती है, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी दिखते हैं और लगता है कि सौरभ द्विवेदी जैसा काम कितना मज़ेदार काम है ये वो, लेकिन जब यहाँ से पीछे से देखते हैं कितनी हैरानी होती है तो फिर समझ में आता है पूरा मामला। और कहीं इंटर्नशिप की आपने? और कहीं इंटर्नशिप नहीं की है मैंने। आपको और अपनी दुनिया एक्सप्लोर करनी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भविष्य में जरूर करूंगा। हैं, चलिए, तो अब हम लोगों ने एक ये कारोबार का पेड़ों को तैयार वाले तैयार वाले पेड़, अरे वो एक बड़ा सुंदर बरगद दिख रहा है, वही वही अभी एक बनवाया था लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आने की वजह से अभी ये प्रॉपर बनना शुरू नहीं हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या दिक्कतें आ रही है? लीफ जो है बहुत ज्यादा है, उनको कनेक्ट करने में और बैलेंस बनाने में बहुत परेशानी आ रही है इसमें। भाई साहब, एक वो पीस तो इसमें आप लोग कुछ क्यों भाई, इसमें कोई डिजाइन इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, जैसे बिल्डिंग बनती है ना तो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है कि कहाँ कितना पिलर, सिविल इंजीनियर होते हैं, पेड़ में पेड़ बनाने में भी कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं, उसकी साइंस थोड़ी बहुत समझ है। एग्जैक्टली यही है कि हमारे हैं जानने वाले, हम उनसे सिर्फ डिजाइन डेवलप कराते हैं, कोई भी पिक्चर हमने उनको दिया, हमको कोई कॉन्सेप्ट हमने उनको दिया, उन्होंने उससे डिजाइन बनाया, डिजाइन बना के फिर हमको मिट्टी से उसके फर्मे बनवाने पड़ते हैं, फर्मे के बाद फिर देन कास्टिंग शुरू होती है। बड़ा खूबसूरत सा पीस लग रहा है एकदम, वट वृक्ष है बरगद, जिंदगी का मकसद। बैठ के देखता हूँ तसल्ली से, छू सकते हैं ना? ये कितना सुंदर, देखिए बरगद का पेड़ है। तो आप जैसे एक बात बताओ भाई साहब कि जैसे ये बरगद का पेड़ इतना बारीक काम है, इतनी वेल्डिंग सब जोड़ जाड़ के बनाया है, तो ये तो ऐसे किलो और इसमें तो रेट बढ़ जाता होगा ना? हाँ, लेबर कॉस्ट इसमें बढ़ जाती है इसलिए रेट बढ़ जाता है उसका, जितना बारीक काम होगा उतना ही उसमें ज़्यादा समय लगता है मैन्युफैक्चरिंग होने में, इसीलिए उसका रेट कॉस्ट बढ़ जाता है। ये क्या है? कैंडल स्टैंड है ये। कैंडल स्टैंड, ये जब जेरी जी आपकी महफिल सजेगी तो वो ऐसे आपके सामने शमा आएगी ना, रोशनी, तो इसी के ऊपर मोमबत्ती धर के आपके सामने लाई जाएगी, फिर आप शेर पढ़ेंगे जो पुर्जी पे लिख के आपको अमित राज ने दिया होगा, अमित राज शेर बहुत सुनाते हैं, है ना, तो जिसके सामने ऐसे मोमबत्ती आएगी वो फिर शेर पढ़ेगा। अरे आपने तो पैकेट ही खोल दिया हमारे लिए, कितने भले आदमी हैं कमल जी आप, हैं? अरे वाह, तो बहुत सुंदर है, हैं? तो खजूर की पत्तियां लग रही हैं, हैं? मेरुवाना की लग रही है। यही यही क्या?
बहेलिया आया जाल बिछाया आप फंस गए, हमको पता था कि आप वहीं जाओगे। मैंने इस पे एक साइंसकारी का एपिसोड किया है तो मुझे कैनबिस सटाइवा, कैनबिस इंडिका सबकी पत्तियां पता है। नशा करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, तो ये तो बड़ा बारीक काम है। तो मुझे एक चीज और बताइए कमल जी, और कमल जी कि क्या पीस बनना है, ये मतलब इसका प्रोसेस क्या होता है कि जैसे कस्टमर ने बताया इस तरह का डिजाइन चाहिए, या आपको लगा मार्केट में इस तरह का डिजाइन लॉन्च होना चाहिए, या दोनों चीजें होती, क्या होता है? पहले पैटर्न बनता है इसका, पैटर्न बनने के बाद में पीस बनता है इसका, ब्लाउज का ही पैटर्न बनता है। नई डिजाइन कैसे, नई डिजाइन जैसे ये सब अपने यहाँ के बने हुए हैं, सारा कुछ अपने यहाँ का। ये शंख है वास्तु दोष के हिसाब से है, इसमें कोई भी वास्तु विष्णु भगवान बने हुए हैं, इसमें लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, शेषनाग बना हुआ है ये स्पेशली हमसे जो मुरारी बापू बनवाते हैं वास्तु दोष के लिए बनवाते हैं, मुरारी बापू बनवाते हैं, मुरारी बापू के लिए भी जाते हैं, राम कथा वाचक है। जी 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 जी, तो जो भी हमारे खास लोग पढ़ते हैं, मैं इसको छू सकता हूं, स्नान ध्यान किए हूं, वजनी है काफी, हैं ठोस सा लग रहा है। नहीं ये भी होलो है, ठोस नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं ठोस सा मतलब वजन में ठोस सा लग रहा है, बाकी तो होलो हो गई, वरना तो ये उठाते ही एक अच्छा खासा। तो इसको घर में रखने से वास्तु दोष के लिए, वास्तु दोष दूर होता है, ऐसा मुरारी बापू कहते हैं। वास्तु दोष का तो पता नहीं, पर शंख को देखकर जीवन की विशालता का बोध जरूर होता होगा, और कहां कहां जीवन है। ये हैंगिंग ट्री है, इसको वॉल हैंगिंग दीवार पे टांगा जाता है, पीछे इसमें दिया हुआ है, इस तरह से दीवार पे टांग सकते हैं इसको। बढ़िया, ये देखिए बड़ी ऐसे तो अवतार फिल्म जैसा नहीं, कि हवा में पेड़ लटके हैं, हवा में जड़ दिख रही है, हैं आकाश में जड़ है, जैसे कबीर दास जी की उलट बांसी हुआ करती थी, मक्खी उक्का चढ़ गई मतलब मछली पेड़ पे चढ़ गई, ऐसा लिख देते थे कबीर दास जी। आसमान में धान बोने वाला भी कुछ, हाँ वो विद्रोही की कविता है। बढ़िया, ये बड़ा सुंदर काम यहाँ पे हो रहा है, अभी दिखाएंगे आपको, चिंता मत करिएगा, अभी और कारीगरों से बात करेंगे। क्या नाम है गुरु आपका? संजय। संजय क्या काम करते हो आप? साथ में काम क्या करते हैं? देख रेख का, ये ऊपर का स्टाफ मतलब लेबर जो भी काम करती है उनके सब के ऊपर में देख रेख का काम है। अच्छा, आप सुपरवाइजर हो सबके, बॉस हो इन लोगों के, टाइम से आ रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ब्यूटी ब्रेक तो ज्यादा नहीं ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बर्बादी तो नहीं कर रहे हैं, सही है। सख्त आदमी रखा है आपने? नहीं सख्त तो नहीं है, एकदम मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। दिखाइए भाई, अच्छा ये पूरा तने, अरे इसमें तो स्क्रू लगे हैं नीचे, इसमें जैसे आगे जैसे कृष्ण हो गया या गणेश जी हो गया कुछ उसके पीछे लगा के, इसमें आगे भगवान जी आ जाएंगे, भगवान जी आ जाएंगे इसके आगे। मैं कह रहा हूँ इसमें स्क्रू क्यों लगे हैं? स्क्रू बेस के ऊपर में लगेंगे। अच्छा, वो नीचे इसका एक आधार जिसपे ये टिके टिकेगा, तो नीचे बेस आएगी, बेस के ऊपर में ये टिकेगा, उसके आगे भगवान जी आएंगे। हम लोगों को बोला जाता है कि अच्छा सुपरवाइजर वो होता है जो सब जिस काम को सुपरवाइज कर रहा है उस काम को करना जानता हो। यहाँ जितना काम होता है आपको सब करना आता है, ढलाई और जुड़ाई सब? नहीं ढलाई वगैरह नहीं, ये वो तो अपने अपने कारीगर सब अलग अलग रहते हैं सबके। तो आप कब से कर रहे हो सुपरवाइजर? ये करीब हो गया 12 साल मेरे को। 12 पुराना चावल जिसको कहते हैं। कहाँ गाँव कहाँ है आपका? राजस्थान। राजस्थान से आप यहाँ आए हो काम करने? राजस्थान में कहाँ गाँव है? चुरू डिस्ट्रिक्ट। चुरू से हो आप, अब तो यहीं बस गए हो। वोटर कार्ड कहाँ का, राजस्थान का कि यहाँ का? यहाँ का है। तो अब आप हमारे यूपी वाले हो गए ना, मतलब राजस्थान वाले भी हमारे हैं, हैं हमारे तो सब हैं, ऐसे हम प्रोफेशन में आ गए हैं कि प्रांतीयताओं से मुक्त होना पड़ता है। तो ये बताओ यहाँ पे जैसे रहते कहाँ हो? यहीं ऊपर। अच्छा ऊपर रेजिडेंस है। अच्छा, जैसे आप इतने साल से ये सब काम हम देख रहे हो, किस तरह की दिक्कतें आती हैं इस काम को करने में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लेबर की, जिसके अंदर में कभी क्या कर लेबर शॉर्ट हो जाती है तो काम की दिक्कत आती है, काम कंप्लीट हो नहीं पाता, बस ये दिक्कत। लेबर सब आसपास के गांव से आती है, जैसे आप राजस्थान से आए और भी आती है? नहीं नहीं, आजू बाजू से या पास से ही आती है सब। सिखाने में भी मशक्कत करनी पड़ती होगी? सिखाने में मशक्कत, कुछ एक ऐसा बन जाए ITI टाइप का कि लेबर वहाँ सीख सके, ऐसा है कुछ हो सकता है ऐसा? टाइम लगता है सीखने के लिए, है क्योंकि हर चीज़ बारीकी का काम है। एक साल में सीख जाएगा शायद, लगन हो तो एक साल में सीख, तुम्हारे जैसा सख्त सुपरवाइजर सिखाए तो एक साल में सीख जाएगा? सीख जाएगा, सीख जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी काम होना चाहिए। अरे ये इतना चमक कैसे रहा है? ये गोल्डन कलर है, ब्रास के ऊपर गोल्ड,
तो भाई साहब एक बात बताओ, मान लो कल को कोई कहे कि साहब किसी और मेटल पे आपने पोत के दे दिया, तो कैसे पता करे कस्टमर की ये ब्रास के ऊपर ही गोल्ड है? करने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि कोई भी आप रेती लेंगे उसको अगर घिसेंगे तो अंदर येलो कलर निकलेगा, उसके अंदर ब्रास का जो बेस कलर है वो निकल के आ जाएगा। अगर हम उसको हल्का सा कहीं भी पैनी चीज से उसको रफ करेंगे तो गोल्डन पीस हट के अंदर से ब्रास का जो नेचुरल कलर है वो आ जाएगा निकल के, मतलब वो भी पीला होगा पर इतना चमकदार। मैग्नेट से भी चेक किया जा सकता है, आयरन अगर मैग्नेट से भी अगर वैसे चेक करना है तो। ये ब्रास के ऊपर हमने गोल्ड प्लेटिंग किया हुआ है। कितने सुंदर लग रहे हैं जारी जी, ये तो गणपति आराम कर रहे हैं, शयन दीवान पे बैठे, दीवान पे बैठे हैं एकदम बढ़िया से मस्त से बैठे। और ये वो शंख है, इसमें तो विष्णु के हैं, अरे 10 से ज्यादा है भैया, 10 ही आप गिन लीजिए। अरे हमने गिन लिए हैं, हां इसको विष्णु के 10 अवतार ही कहते हैं। नहीं 10 अवतार कहते हैं पर इसमें तो ज्यादा दिख रहे हैं। नहीं ज्यादा नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गए भैया हैं। कुछ और कहानी होगी पक्का? नहीं कहानी नहीं, इसको 10 अवतार ही कहते हैं। नहीं नहीं वो कहते होंगे, मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ नौ नौ मुख हैं। बताऊँ कैसे होता है, ये 9 इधर आ गया, ये 10 अवतार, ये 9 इधर आ गया, फिर 10, इसको 10 अवतार ही कहते हैं। अच्छा जी, देख रहे हैं इसकी कोई हमको जरा कहानी बताए कमेंट बॉक्स में, पक्का इसके पीछे की कोई पौराणिक कथा भी होगी। नहीं वो तो हमें पता है विष्णु भगवान के 10 अवतार है ना, वराह है और नृसिंह और कितने सारे अवतार, दुर्गा शंख है, इसका दुर्गा शंख है, शंख के भी अलग अलग नाम होते हैं बहुत सारे, इसमें दुर्गा शंख भी है, विष्णु शंख भी है। ये विष्णु शंख है, इससे क्या होता है? ये ट्रेडिशनल हमने भगवान के नाम पे जो लोगों को चाहिए होता है, साउथ वगैरह में बहुत से लोग डिमांड करते हैं जो विष्णु भगवान को मानते हैं, साउथ में चलता है। हमारे इधर कितने पैसे का है ये? अप्रोक्स ऐसे बैठता है 2000 रुपए के आसपास। 2000 रुपए, इतना सुंदर है ये, बताइए। मैं ये पैसा भाई साहब और बहन जी इसलिए पूछता रहता हूँ कि आप लोग जो दुनिया यहाँ की बाजार में चीजें खरीदते हैं, कई तो चीन की बनी होती हैं है ना, फालतू सोफानी किस्म की होती हैं, फर्जी किस्म की चमक होती है, मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो आपको जब भी अपने घर परिवार वालों के लिए तोहफा खरीदना हो तो कोशिश करिए कि भारत में बने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, बहुत महंगे नहीं होते हैं अगर आप अपना बजट निकालोगे। अब जेरी की शादी हो गई, हमारे पास एक विकल्प है कि जी हमें एक मशीन दे दें, अब उस मशीन से इनका काम तो जितना सुगम होगा उतना होगा और तोंद और बढ़ जाएगी जैसे मेरी बढ़ रही है। इससे अच्छा है कि हम कोई हस्तशिल्प का बना खुर्जा की पॉटरी दे दें, अमरोहा की चद्दर दे दें, हैं अलीगढ़ की कोई बनी मूर्ति दे दें, चार लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग पूछेंगे आके जेरी जी आप समझ रहे हैं मेरी बात, और आपको भी समझनी है ये बात कि जितना ज़्यादा हो सके जो भारत का हैंडीक्राफ्ट है उनकी जो जगहें यहाँ घूमने भी आई है, ठीक है, यहाँ पे आके देखिए कैसे चीज़ें बनती हैं। और आप सब लोग तो प्रयत्नशील लोग हैं, कहीं से भी संपर्क निकाल के आ जाएंगे, किसी वर्कशॉप में बनते देखेंगे, कहीं से खरीदेंगे तो आपका जुड़ाव होगा। क्या आप हर बार ऐसे एकदम पहाड़ पे, मतलब हम भी पहाड़ पे जाते हैं, समंदर के पास जाते हैं, पर कारीगरों के पास भी ज़रूर जाइए, ठीक है आयुष जी आप जाएंगे? मैं तो आया ही हूं। आप आए हैं, चलिए ये तो भाई बड़े सुंदर हैं सब है ना, पर मुझे क्या है कि मुझे ज़्यादा चमकदार चीज़ें पसंद नहीं है। तो मैं, हमारे एक भतीजे हैं उनका नाम गणेश जी के नाम पे, गन्नू बोलते हैं उनको घर में, तो उनके लिए मैं ऐसी एक मूर्ति लूँगा, लेकिन क्या ये मुझे बिना गोल्डन चमक के मिल जाएगी ब्रास वाले इसमें एलिमेंट में? एंटीक में मिल जाएगा, एंटीक एंटीक फिनिश है वो, अभी हम दिखा देंगे आपको शोरूम पर वो एंटीक। हाँ अभी हम इनकी दुकान पे जाएंगे घर के लिए खरीदारी करने। आइए कमल जी थोड़ा आगे का सिस्टम समझते हैं। एक भाई साहब आपने बताया कि लेबर की कमी रहती है, और क्या दिक्कत रहती है? बस लेबर की दिक्कत रहती है वाकई। अभी जैसे लॉकडाउन वगैरह रहा तब कैसा असर पड़ा काम पे? तब तो पूरा ही काम बंद हो गया था, बंद हो गया। तो ये लेबर तो जब दिहाड़ी वाले हैं सब हैं, सब दिहाड़ी वाले, तो इन लोगों को तो बड़ी दिक्कत रही होगी। इन्होंने अपनी कोई दिक्कत साझा की आपसे? दिक्कत साझा किया इनको, फिर बाद में लॉकडाउन के अंदर में पैसे भी दिए गए खर्चे पाने के लिए। इन लोगों के बैंक खाते वगैरह खुले हैं कि सब कैश में चलता है तनख्वाह? कैश, कैश कैश में काम चलता है। एक कुछ ऐसा हो जाए जैसे आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ठीक है, आपसे अधिकार से कह रहा हूँ जी जी, है ना, आग्रह कर रहा हूँ अधिकार के साथ, ये जितने कारीगर हैं, जैसे इस वर्कशॉप से आपके यहाँ सामान आता है, इन कारीगरों के
सरकारी योजनाओं के सब कार्ड बन जाएं और बैंक में खाता खुल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ कारीगरों ने खुलवा लिया है, हम तो बोल ही सकते हैं। बाकी का जो लोग एग्री नहीं करते हैं, समस्या नहीं है, वो नहीं खुलवा रहे, लेकिन बहुत से कारीगरों ने अपने अकाउंट खुलवा लिए हैं, क्योंकि सरकारी योजना का फायदा टीका लगवा लें। नहीं, वैक्सीन सबने लगवाया हुआ है, कोई भी कारीगर ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, सबकी डबल डोज लग चुका है, सबका डोज लग चुका है, सबने डबल डोज ले चुका है। डोज सब क्या लगे? चलिए आइए साहब, आगे देखिए, ये तो भगवान बुद्ध के किसी अवतार की मूर्ति है ना, मैंने भूटान में इस तरह की मूर्तियां बहुत देखी हैं। हैं गुरु पद्म संभव, अवलोकितेश्वर, ऐसे बहुत सारे अवतार हैं, उनमें से ये नाम पता है आपको इनका? हैं भाई साहब, क्या ब्रीफ आता है आपको? तस्वीर आती है तारा, तारा, अच्छा ये देवी हैं तारा, हाँ तंत्र की देवी हैं, हाँ। चलिए और आगे देखते हैं, आइए यहाँ पे वेल्डिंग हो रही है, आइए जेरी जी, आइए कमल जी, ये अलग अलग पार्ट हैं, अब जुड़ते जा रहे हैं, कुछ तो जुड़ गए हैं। हाँ नहीं, जुड़ेंगे अभी। नहीं नहीं, मैंने कहा कुछ ये पूरा एक पीस थोड़ी होगा, जोड़ा होगा ना कुछ इसमें। अच्छा अभी और जुड़ेगा आप ये कह रहे हैं। अच्छा ऐसे ये जुड़ेगा, अभी तो ये बड़ी मूर्ति बनेगी। आइए जरा भीतर देखें जेरी जी, अंदर कुछ है नहीं, हथौड़ी का भी काम चल रहा है, पसीने की धार भी चल रही है। भाई साहब मैं आपको दो मिनट बस डिस्टर्ब करूंगा। नमस्ते, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी आप क्या कर रहे हैं इस पे? ये डिजाइन बना रहा हूँ। ये तो भगवान कृष्ण हैं क्या? हाँ कृष्ण जी हैं। हाँ वैजयंती माला पड़ी हुई है, ये जो बारीक काम है ये सब आपने किया है? हाँ ये मैंने किया। ये जो हथौड़ियाँ हैं इनके कोई नंबर भी होते हैं क्या? नहीं नंबर नहीं होते, ये क्या कहते हैं नाख नहीं होती हैं, है नहीं होती हैं, सबका नाम अलग अलग है। इन सबका नाम अलग अलग है? हाँ सबका नाम अलग है। अरे बताओ जरा दो चार, ये क्या है? ये मुराई की कलम है। मुराई की कलम, इससे क्या काम होता है? इससे सूत खोले जाते हैं। है? सूत खोले जाते हैं, सूत सूत खोले जाते हैं, मतलब ये वाली जो डिजाइन है। हाँ ये अंदर वाली गहराई वाली। अच्छा जी, और ये क्या है? ये नाखूनी है। नाखूनी, नाखूनी, दो मिनट चाहिए, दो मिनट। हाँ ये नाखूनी क्या होता है? नाखूनी से मतलब जैसे नपुआ है, जैसे ये डिजाइन है, मतलब मूर्ति के अलग अलग हिस्से के लिए अलग अलग है, अलग अलग कलर है। और आपको सब याद भी रहते हैं कौन सा है? हा? कितने साल से आप काम कर रहे हैं अशोक जी? ये तो मैं कह रहे थे 14-15 साल से काम कर रहा हूँ। 14-15 साल से, बैठ जाता हूँ। तो क्या कितनी पढ़ाई की, आपका क्या नाम है? दोनों लोगों से एक साथ बात कर लेते हैं, बस दो मिनट डिस्टर्ब करेंगे फिर चले जाएंगे। पवन कुमार। अशोक और पवन, ये रूम पसीना रोकने के लिए बांध रखा है या कुछ स्टाइल क्या है चक्कर? नहीं वैसे स्टाइल के लिए बांध रखा है। एक भाई यहाँ बैठे थे उन्होंने भी बांध रखा। हाँ स्टाइल के लिए। तो आप लोग तो बारीक काम कर रहे हो, कितना पैसा मिलता है आपको? जी कमा लेते हैं 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार आपका? हाँ इतना ही पड़ जाता, 10-12 हज़ार। छुट्टी भी रहती है हफ्ते में कार दिन? हाँ संडे की। सैटरडे? हाँ शनिवार के दिन छुट्टी रहती है। संडे के दिन? अच्छा संडे के दिन छुट्टी रहती है। तो परिवार में आपके कौन कौन है? हमारे मम्मी है, दीदी है और बच्चे हैं। बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल? हाँ स्कूल जाते हैं। अशोक जी आपके बच्चे क्या इस फील्ड में आएंगे या कुछ और करवाने का इरादा है आपका, क्या मन है? नहीं बच्ची हैं मेरी है? लड़की हैं, लड़की। अरे तो लड़कियां भी तो काम करती हैं। हाँ तो करती हैं, तो इस समय तो कुछ भी नहीं, अभी तो छोटी होंगी। छोटी है। तो आपने कुछ सोचा होगा ना कि जब मेरी बेटियां बड़ी हो जाएंगी तो वो उनको ये पढ़ाऊंगा ये करवाऊंगा, सोचा है ऐसे अभी कि नहीं? नहीं अभी कुछ नहीं सोचा। कितनी बड़ी बड़ी हैं बच्चियां? बच्ची एक तो 10 साल की है और छोटी छोटी हैं। कितनी बच्चियां हैं? 3 बच्चियां। पुत्र मोह है आपको, लड़का चाहते हैं आप? नहीं लड़का तो था, एक्सपायर हो गया। ओह आई एम सो सॉरी, क्या हो गया था? तो कुछ नहीं मतलब बुखार में, मतलब बुखार आया था तो उससे मतलब एक्सपायर हो गया। तो आप अभी लड़कियों को अच्छे से पढ़ाएंगे या परिवार और बढ़ाने का इरादा है? बच्चियाँ पढ़ रही है। हाँ दो बच्चियाँ पढ़ रही हैं मेरी। हाँ 3 बेटियाँ हैं आपकी? हाँ 3 बेटियाँ। अच्छा एक बात बताइए अशोक जी और पवन जी, जैसे हम समाज में बहुत सुनते हैं ना कि साहब
सब लोग कहते हैं कि हमको लड़का चाहिए, है ना, लड़कों से ऐसा होता है। लड़कियों को लेके एक समाज में बड़े पैमाने पे लंबे समय तक अनिच्छा सी रही कि साहब ठीक है लड़कियां हैं तो आर्थिक वो आएगा वजह, ऐसा क्यों है ऐसी सोच? ये कोई सोच नहीं है, ये तो कहते बढ़िया सोच है, लड़की बढ़िया होती हैं। हाँ भाई, ये तो पहले ज़माने में सोचती, लेकिन अब ज़माना बहुत आगे निकल चुका है। आगे निकल चुका है, बताइए। क्या है कि अब लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, सब एक समान है, अच्छी पढ़ाई करते हैं और काम भी सब एक सा ही करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही पवन जी। काम कैसे बटा रहता है आपस में, मतलब इसमें भी स्पेशलाइजेशन होता है कि ये काम अशोक जी करेंगे, ये काम पवन जी? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पीस का हमें सामान पूरा बना के देना है। जैसे कि मान लो ये पैर हैं इसके, हमको ये बना के देना है, वो हाथ पड़े हैं, वो माला, जोर से बोलिए, वो हाथ है, वो माला है, हमें एक पीस का पूरा सामान बना के देना है। अब कैसे बनाना है ये हम दोनों के हाथ में है। अच्छा, जोड़ी में काम करते हो आप लोग? जोड़ी में क्या आपस में, जैसे वहाँ तो वो दो भाई एक साथ काम कर रहे थे, गेंदा लाल और उनके भाई, आप लोग भी ऐसे भाई बंधु हो क्या? हाँ भाई बंधु है, भाई बंधु हैं, जब साथ में काम करते हैं तो भैया ही हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी फीलिंग है। ये प्लान है और ये देखो डिजाइन डालिए, ये दोनों, ये प्लेन है, ये देखिए, ये बहुत बारीक सा, ये बिल्कुल प्लेन है और ये डिजाइन आ गई है। आपने तो नेल पेंट भी लगा रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये है? ये इसलिए लगा रखा है, मतलब ये तो खैर फैशन है, लेकिन ये नाखून इसलिए बढ़ाया है क्योंकि जब हम काम करते हैं ना तो थोड़ा लोशन घुस जाता है हाथों में, उसे निकालने का, लोशन को निकालने के लिए नाखून। अरे बड़े सुंदर लग रहे हैं भाई, तो दो है, स्टाइलिश है। आपको लोशन की चिंता नहीं है भाई साहब? नहीं, लग जाता है तो निकाल लेते हैं लोचन वगैरह, और ना निकल पाए तो बगल में पवन की मदद ले लेना, इनके दो दो नाखून बड़े हुए हैं, भाई है। अच्छा ये बताओ गुरु कि सरकार ने कैसा कामकाज किया है, चार साढ़े चार साल हो गए, छः महीने में विधानसभा का चुनाव होना है, आपके यहाँ कैसा काम हुआ है? आसपास गांव है आपका? नहीं, मेहंदा नगर में। बढ़िया काम चला। क्या काम बढ़िया हुआ बताइए? सड़क भी बन रही है, सब चीज़ हो रहा है, काम बढ़िया हो रहा है। आपको क्या लगता है? काम तो वैसे सब बढ़िया है, बस ये थोड़ी महंगाई पर मार पड़ रही है। महंगाई, और विस्तार से बताइए क्या महंगाई? मान लो जैसे कि एलपीजी सिलेंडर आप देख रहे हैं 900 कुछ रुपए का हो गया है, सब्सिडी वगैरह कुछ आती नहीं है, तो कहाँ से करेगी आम जनता, कहाँ से करेगी? बस यही कहना चाहता हूँ, एक सिलेंडर है जो महंगा हो रहा है, उससे दिक्कत है, और भी चीज़ें हैं तो सब बाकी सब बढ़िया है। अच्छा, जैसे अभी महामारी रही उस दौरान कैसी व्यवस्था रही, यहाँ बंद भी रही होगी फैक्ट्री? हाँ बंद तो रही थी। फिर कैसे खर्चा चला, जमा पूंजी? नहीं, मालिक देते रहते थे। अच्छा, आपके तो बड़े रहम दिल मालिक हैं। वह मालिक भी देते रहते थे और फिर सरकार की तरफ से भी मदद मिल रही थी, फ्री राशन मिला था, वैसे भी महीने में दो बार राशन भी फ्री मिल रहा है, और वैसे भी सरकार की काफ़ी सुविधाएँ मिली थी, सिलेंडर फ्री मिले थे, लेडीज़ के खातों में 500 रुपये भी आए थे, मतलब सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिली थी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? मतलब मालिक की तरफ से भी मिला है, सरकार की तरफ से भी मिलता रहा, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आई। टीका लगवा लिया दोनों लोगों ने? अरे यार, ये तो बहुत गड़बड़ चीज़ है, अभी वो कमल जी कह रहे थे हमने सबका टीका लगवा दिया है, टीका क्यों नहीं लगवाया? लगवाने गए हैं और हम कल जाएंगे। आप कल जाओगे, और आप भाई साहब? मैं एक आध दो दिन में लगवा लूँगा। ऐसा एक भी डोज नहीं लगवाई अभी तक? अभी एक ही नहीं लगवाई, मेरे परिवार में तो लग गई है, मम्मी के भी लग गई। ये भाई गलत काम है, बाकी सब बात आपकी ठीक है, थोड़ा मतलब टाइम की वजह से नहीं लगवा पाए, लेकिन एक एक करके सब कारीगर अब जा रहे हैं, जैसे कि आज दो गए हैं, कल दो फिर जाएंगे। अच्छा, आज ये गए हैं, कल आप जाओगे, टीका जरूर लगवाना दोनों, है ना, परिवार से प्यार करते हो ना, अपने खुद से प्यार करते हो ना, हाँ, तो इसलिए बिल्कुल जाओ। ये पीछे फ़ोन नंबर किसके लिखे हैं? पता नहीं, ये तो पहले कारीगर काम करते थे, पहले हम करते थे पल्ले कमरे में, अब इसमें आ गए, ये उन्होंने लिखे हैं। कमरे टू कमरे एकदम चेंज होता रहता है, मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग होता है जेरी जी, मैं किसी भी दीवार पे कोई अगर फ़ोन नंबर लिख गया तो क्या सोच के लिख गया होगा, दिल करता है कि एक एक्सचेंज बनाऊं जहां पे इन सारे नंबरों पे फ़ोन किया जाए। चलिए जी, आप करिए बढ़िया मूर्ति का काम है, बारीक काम है, ये दीजिए, फट फट शुरू हो गई, म्यूज़िक है इसमें एक। चलिए जेरी जी, अब बाहर चला जाए, ये तुम अपने कैमरे के नीचे डंडा लगा लियो ताकि स्थिर रहे, बढ़िया। अरे कमल जी, यहाँ क्या होता है ये भी तो दिखाइए।
ये देखिए, एक दो मिनट रुकेंगे बस, हैं दो मिनट रुक जाइए, थोड़ा समझ लें क्या काम कर। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश, और आपका? रोहतास। अरे वाह, तो आप लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं जरा समझाएंगे हमको? ये रेताई कर रहे हैं हम। हाँ, हाँ जी, ये बाला वाला मरता है इसमें। उदाहरण देखिए, एक आध उठा के दिखाएंगे। एक मढ़ा हुआ और एक बिना मढ़ा हुआ, ये पेड़ बन के आया। हाँ, ये बिना मरा हुआ है ये। हाँ हाँ, इसमें सारे में बाला भरा हुआ है। बाला भरा हुआ है मतलब? ये बाला है। अच्छा, ये तो खुरदरा खुरदरा दिख रहा है किनारे। ये वाला ये है। हाँ ये, इस पर रिताई करते हैं हम। रिताई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। हाँ, ये चिकना हो जाएगा, स्मूथ चिकना हो जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ता है, कुछ इसके पीछे के रीजन? ये क्या होता है कि कास्टिंग के अंदर क्या ऐसे आ जाता है, तो इसको क्या ये मारनी पड़ती है रेती से, तो बिना मारे बिना फिनिशिंग आ नहीं सकती। तो भैया ये बताइए, मुकेश और आपका नाम है रोहतास, तो आप लोग कहाँ पे रहते हो? आसपास कहीं गांव है, कहाँ के रहने वाले हो? चतारी दुराए के पास में कस्बा अड्डू गांव है मेरा। विधानसभा कौन सी लगती है? विधानसभा पहासू बुलंदशहर। हाँ जी जी जी। तो अभी गांव कितने कितने दिन में जा पाते हो? सर डेली आना जाना रहता है हमारा। डेली गांव से आते हो? हाँ जी, पास में पड़ता है। पास में है गांव? हाँ, इतने थोड़ा अलीगढ़ से बहुत दूर नहीं है बुलंदशहर। हाँ, और आपका गांव बॉर्डर पे ही होगा? हाँ, बॉर्डर पे ही है। क्या कुछ काम हुआ है गांव में, कुछ विकास का काम हुआ है? विकास ये सड़कें बन रही हैं। हाँ, हाँ गांव में। हाँ, और कुछ काम ऐसा जो आपको लगता है होना चाहिए और नहीं हुआ हो, ऐसा भी कोई काम है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सब हो रहा है सर। हो रहा है, सड़क बन रही है? हाँ, सड़क बन रही है। बिजली का क्या हाल रहता है? बिजली सही आ रही है सर हमारे गांव में तो। हाँ, कितना घंटा आ जाती है? आ जाती है लगभग 10 घंटा करीब। 10 घंटा? हाँ जी। आपका गांव कहाँ है रोहतास बाबू? हम तो यही अलीगढ़ के जयगंज अलीगढ़। आप यहाँ कितनी बिजली आती है? आ जाती है, सही आ रही है हमारी तरफ तो वैसे। हाँ? सही आ रही है, सही आ रही है। तो अच्छा ये बताओ, जैसे 4-6 महीने में चुनाव है ना, मेरा नाम सौरभ है, तो हम लोग ऐसे जगह जगह जा रहे हैं पूछने कि जैसे आपका काम कैसा चल रहा है, लॉकडाउन रहा तो कैसा असर पड़ा है ना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कैसी हो रही है, गांव में कैसा काम हो रहा है ना, क्या जीवन में दिक्कतें हैं, सरकारों को क्या करना चाहिए, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे मुकेश जी? हाँ सर, लॉकडाउन में थोड़ी दिक्कत रहती है, पैसे की मजबूरी आ जाती है। कैसे काम चलाया फिर? सर कुछ काम ही नहीं हुआ, यहीं से इन्होंने 2000 रुपये दे दी तो उसी से काम चलाया था मालिक साहब ने। मालिक साहब ने 2000 रुपये दिए थे, उससे खर्चा पानी चलाया। वो बात तो आ गई, और कुछ आप क्या मांगना चाहते हैं सरकारों को, क्या करना चाहिए कि रोहतास थोड़ा मुस्कुराए? अरे कुछ नहीं कर रही सरकार, क्या करेगी, गरीब आदमी को देख ही नहीं रही वो तो। गरीब आदमी को नहीं देख रही सरकारें, तो ऐसे बोलती कि हम गरीबों का बहुत ख्याल रख रहे हैं। हाँ सर, ख्याल तो रख रही है ऐसे। ये कह रहे हैं रोहतास की देख नहीं रही। अरे नहीं सर, ख्याल तो रख रही है सरकार, ऐसी बात नहीं है, राशन भी मिलता है और बहुत सारे काम किए हैं। क्या काम किए हैं बताइए? है सर, क्या काम किए हैं? बहुत सारे केसीसी माफ की है हमारी। क्या माफ किए हैं? केसीसी जो खेत पर जो पैसा लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। हाँ। वही तो माफ किए हैं। हाँ, और सारे बहुत से काम किए हैं। और रोहतास जी आप इनके तो किसान, आपका किसान क्रेडिट कार्ड तो होगा नहीं? हमें तो कोई लाभ मिलना नहीं है, अपने बच्चों ने पाल ले, मजदूरी कर रहे हैं बच्चों को पाल रहे हैं। तो सरकार को किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पे जो ऐसे ये कामगार हैं, कारीगर हैं, इनके लिए भी एक ऐसी स्कीम लानी चाहिए मुझे लगता है। हैं कमल जी? हाँ जी। कुछ इनके पास भी ड्योढ़ा रहे पैसे का। हैं क्यों रोहतास बाबू? एक जैसे आपका किसान क्रेडिट कार्ड है, कितने बीघा जमीन है? मेरे उस पर बाप पे 20 बीघा जमीन है। 20 बीघा जमीन? और आपके पास है कुछ जमीन? नहीं है हमारे पास। हाँ, तो इनको तो बहुत मदद की ज़रूरत है। चलिए आप काम करिए। काम में किस तरह की दिक्कत आती है?
कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आई सवेरे आते हैं अपने काम पर लगे रहते हैं, शाम को अपनी छुट्टी होती है चले जाते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे ये इसमें इतना बारीक ये रेता उड़ रहा है मेटल का है, ये लोग थोड़ा मास्क पहन के काम करें ऐसा नहीं हो सकता? नहीं करते हैं, लगाते नहीं, इनको क्या है कि पसीना ज़्यादा आने लग जाता है, ऐसा करना पड़ेगा। ये सब क्या रखा हुआ है? ये तो क्या होता है कि फाइबर के पीस है, इनके क्या पेटल बनती है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रोहतास जी, मुकेश जी नीचे देख के भैया, है ना, आप लोग इतने हुनर का काम कर रहे हैं, ये संभाल के आइएगा जेरी जी। तो फिर फाइनल प्रोडक्ट कहाँ तैयार होता है, घिसाई के बाद? फाइनल यहीं से हो गया सर, ये फाइनल है अभी? हाँ ये फाइनल है, पर इसमें तो ब्रास का अलग अलग शेड दिख रहा है। हाँ वो तो अभी आज पॉलिश वाले आए नहीं तो आपको दिखाते। पॉलिश वाले आज नहीं आए, छुट्टी मार गए? हाँ छुट्टी, आज वो वैक्सीन लगाने गए। अच्छा वैक्सीन लगवानी है, नहीं नहीं ऐसी छुट्टी तो सबको लेनी चाहिए वैक्सीन वाली, कि जाओ वैक्सीन लगवाए आओ फिर काम पे लौटो। बढ़िया, और ये ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत इसके लिए पड़ती है? हाँ, तो आपके इतने ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, लॉकडाउन में ऑक्सीजन कमी हुई थी तो आपने कुछ दिए थे? काम बंद हो गया था उसके, और सिलेंडर दिए थे आपने? हाँ सिलेंडर वापस कर दिए थे, वापस कर दिए थे। हाँ क्योंकि कुछ और जरूरत थी। ये पूरी आपकी वर्कशॉप है? हाँ जी। बढ़िया जी, चलिए जी अब यहाँ पे हम एक अच्छा सा आयुष जी की तरह कोट बोलेंगे पेड़ के बारे में। आज आपने क्या सीखा आयुष जी? मैंने क्या सीखा, सीखा तो कुछ नहीं, देखा ही। अच्छा, ईमानदारी से बता रहा। ठीक है, मैंने सीखा इस बातचीत में, जो कई बार चीज़ें आपको पता होती हैं लेकिन एक मोमेंट होता है जिसमें वो हिट करती हैं आपको, मैंने ये सीखा है कि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, उससे क्या होता है किसानों के पास पैसे का एक ड्योढ़ा रहता है लाख का, जितनी भी उनकी क्रेडिट लिमिट बंधी हो, वैसे ये जो कारीगर हैं खासतौर पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, ये किसी सूची में नहीं आते हैं, हालांकि कोर्ट का निर्देश है कि इनकी पूरी लिस्ट बनाई जाए, इनके लिए भी एक अगर पैसे के ड्योढ़े वाला कोई कार्ड बन जाए कि इनको वक्त ज़रूरत हो तो उससे कुछ लोन ले सकें, इंटरेस्ट फ्री रहे, तो एक बड़ी समस्या का हल हो सकता है और इनको एक पहचान भी मिले कि ये लोग स्किल्ड लेबर हैं, ये रेगुलर लेबर नहीं है, है? इनको एक ख़ास किस्म का काम आता है, तो इस पर बड़े पैमाने पर काम हो। तीसरी चीज़ मैंने सीखी कि हर ज़िले में जो बड़ी इंडस्ट्री है उसके लिए एक डेडिकेटेड पार्क या जगह बनी है, जैसे और ज़रूरी नहीं कि एक ज़िले में एक ही इंडस्ट्री हो, तो यहाँ पे ताला इंडस्ट्री के लिए भी बने, लेकिन जो स्टैचू इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक पार्क बने वहाँ पे। अब जैसे ये इनकी घर में नीचे वर्कशॉप चल रही है, वहाँ पे आप इस तरह की वर्कशॉप बना सकते हो जहाँ वेंटिलेशन बेहतर हो, पंखे का काम सब काम बेहतर हो, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। देखिए ये लोग लगातार कर रहे हैं, और सोचिए मई जून में जब ये काम करते होंगे रोज़ी रोटी के लिए तो कितनी मशक्क़त का काम रहता होगा। तो इस तरह का पार्क बने, जो बायर आए, मान लीजिए आप दिल्ली से या कहीं से आ रहे हैं, लुधियाना से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं कि साहब अच्छा चलो चलते हैं अलीगढ़ में, तो उनको पता हो कि भाई हाईवे के किनारे एक बड़ा सा पार्क है, पार्क में हम गए, हमने कुछ वर्कशॉप देख ली, बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं और वहाँ से हमने चीज़ें खरीद भी ली, और रोड बढ़िया हो वहाँ पे, पानी ना भर जाए, जैसे वो गारमेंट्स वाले बता रहे थे नोएडा में कि पार्क बनाए थे वो मनमोहन सिंह के ज़माने में, तो उसमें पानी अभी तक भरता है तो उस पर ध्यान नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। आयुष जी मैंने ये सीखा है हम लोगों को ना, जब भी आम लोगों से बात करें, अभी आपकी चूँकि ट्रेनिंग चल रही है इसलिए इतने अधिकार से कह रहा हूँ, तो हमेशा थोड़ा समझना चाहिए कि ये इनकी आकांक्षाएँ क्या हैं। जैसे महंगाई सिलेंडर का बड़ा जिक्र आ रहा है, आप हमारी ये लल्लन टॉप की यात्रा देखते रहिए और हम और आगे बढ़ेंगे, अब गाँव में जाएंगे और वहाँ के लोगों का हाल भी आपको बताएंगे। शुक्रिया।